यहाँ से पूरा अल्मोड़ा शहर दिखता है। मुझे मेडिटेशन कर लेने दे। स्वामी विवेकानंद ना यहाँ 1890 में आए थे और मैगी विद व्यू, मैगी विद सोलमेट। यार यहाँ तो ऐसा मन करता है कि इधर ही घूमते रहो। भाई कितना डरावना है यहाँ तो, मतलब हल्का सा किसी का गलती से ही पैर फिसल गया वो तो नीचे ही रुकेगा पानी में। Hey guys, good morning, कैसे हो आप सभी? सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरी आँख खुली है ऐसे। यहाँ से इतनी धूप आ रही थी 6 बजे ही मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि यहाँ से तो पहाड़ों से ही मतलब सनराइज हुआ है। तो मैं गौरव को उठाने लग रही थी कि देखो, तो उन्होंने पर्दे खोल गए बैठे तो चलो अभी हम चाय वाय ऑर्डर करते हैं, अपना चाय वाय पी के फिर निकलते हैं फ्रेश होके। सो गाइस, अब हम रेडी होके निकल गए हैं कसार देवी टेम्पल। यस, और वो यहाँ से 2 किलोमीटर्स पे ही है, तो हम पैदल पैदल ही जाएंगे और मौसम इतना ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। कसार देवी जी का टेंपल है, हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए। फिर हम वहाँ ऊपर गए थे, वो महादेव जी का मंदिर है, वहीं से भी आए नीचे, वहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए और काफ़ी शांति है, बहुत अच्छा लगा। अब हम दोबारा यहीं पर आकर बैठ गए हैं और यहाँ से पूरा अल्मोड़ा शहर दिखता है, पूरा व्यू। वहाँ पे हिमालय भी दिखते हैं बट अभी धुंध की वजह से वो हमें दिख नहीं रहे। It's feeling like a heaven. मुझे मेडिटेशन कर लेने दे। अच्छा करो। So guys, this is कसार देवी। ये कसार देवी मंदिर है। So मैंने आपको बता ही दिया यहाँ हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है क्योंकि ये वैन एलन बेल्ट पे सिचुएटेड और ऐसे ही सिर्फ दो ही जगह ऑल ओवर, एक स्टोन हैजन इन यूके इंग्लैंड एंड एक पेरू में और तीसरी यहाँ है। सो इस पे रिसर्च चल भी रही है नासा की। और यहाँ अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, मतलब एक अलग ही फील आ रहा है भाई साहब, अलग फील, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने जूते चप्पल पहन के और बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और अब दूसरी जगह पर घूमते हैं। अच्छा बताऊँ एक और बात, स्वामी विवेकानंद ना यहाँ 1890 में आए थे और उन्होंने अध्यात्म का, उन्होंने भी यहाँ मेडिटेशन करा था। देन उसके बाद उन्होंने कह सकते हो एनलाइटमेंट अचीव करी, मतलब वो इतने बढ़िया ऑरेटर बने और फिर हर जगह उन्होंने बहुत बढ़िया संवाद किया। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। इस पर्वत की गुफा में स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी। पता है जो वो वाली गुफा है ना, उसी में थोड़ी सी जगह है बैठने की। वहाँ बैठे थे वो। स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। आइए चलो चलते हैं। हम यहाँ से आए हैं नीचे उतर के और हमने देखा ये वैन है यहाँ पे। हमें भूख भी लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो हमने 2 मैगी के ऑर्डर दिए हैं और 2 चाय के। क्यों चौधरी साहब, सही बात है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है वाकई। और यहाँ बैठे हैं और यहाँ व्यू समझ ही सकते हो, मजा आ रहा। ये शांति यार क्या बताऊँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये हमने मैगी मंगवाई है, मैगी विद व्यू, मैगी विद सोलमेट। खाते हैं। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका अपना भाई गौरव चौधरी और भाई नहा लिया हूँ मैं और कसार देवी चले गए थे हम मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद और अब हम चाह रहे हैं पूरे अल्मोड़ा को एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि पूरा अल्मोड़ा तो खैर गलत कह दिया, बट कुछ यहाँ मंदिर हैं जो फेमस मंदिर हैं, जैसे जागेश्वर धाम और चेताई गोलू टेंपल है और भी 3-4 टेंपल हैं। सो वो जागेश्वर जाते हुए बीच में ही पड़ेगा। सो ठीक है, 3-4 मंदिरों को हम एक्सप्लोर करते हैं और ये रही अनुजा। चलिए निकलते हैं और पहले चलते हैं चेताई गोलू मंदिर। चेताई गोलू मंदिर में उसकी भी काफी मान्यता है, कहते हैं कि जो भी आपको मांगना हो
जो भी मांगना हो उसे कागज में लिख के डाल दो, चिट्ठी लिख के डाल दो, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो वापस आते हैं, वहाँ पे एक घंटा बांध के जाते हैं। यस, सो काफी मान्यता। चलिए चलते हैं, कसार देवी टेम्पल सामने ही है। कसार देवी टेम्पल तो बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे था, हमने वॉक ही करा था, बहुत अच्छा लगा, काफी बढ़िया लगा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अब हम दूसरी ट्रिप पे निकल रहे हैं, दूसरी जगह पे। मैं तो अभी कसार देवी टेम्पल जाने के बाद मैंने आधा घंटा तो सोई नहीं थी ना मैं। यार एक बात बता, सोने आती है या देखने आती है? अरे यार नींद ही आ गई, सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं, तो घूमने के बाद नींद ही आ गई। अब जा रहे हैं हम दोबारा फ्रेश होके, अब अच्छा लग रहा है। यार धूप तो बहुत तेज है, मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर भी ना ठंड में ही बढ़िया मजा है। नहीं, ठंड में बढ़िया मजा, ठंड में ही ज्यादा मजा है, गर्मी में इतना, लेकिन फिर भी यहाँ का मौसम ठंडा ही है। यार मैं ये कह रही थी कि जब पहाड़ों पे इतनी तेज धूप है कि मतलब बाहर जाने में ऐसा लग रहा है स्किन जल रही है, तो सोचो अपने यहाँ यूपी साइड में कितनी तेज धूप है, दिल्ली साइड बहुत ज्यादा तगड़ी है भाई साहब, बहुत ज्यादा तगड़ी। लेकिन व्यू लेकिन भाई साहब व्यूज को एंजॉय करने का यार अलग ही मजा है। एक बार दिखा दो सामने, हालांकि अभी तो हम रुक गए मैप लगाने के लिए, ये लेकिन व्यूज का अलग ही मजा है। यार यहाँ तो ऐसा मन करता है कि इधर ही घूमते रहो यार। हालांकि जिस मंदिर पे हमें जाना था वो यहाँ से 901 किलोमीटर के आसपास है, तो अभी चल रहे हैं गाड़ी से, लेकिन यहाँ रुक गए थे, यहाँ भी एक मंदिर है। यार देख रहे हो यहाँ खूब ट्रैकिंग आप करते हुए जाओ, आराम से घूमते रहो बस। भाई साहब तगड़ा तगड़ा व्यू है, मजा आ गया भाई। अब हम जागेश्वर धाम जा रहे हैं, अभी वो 8 किलोमीटर दूरी yes, पे है, 8 किलोमीटर। और हम वो मंदिर गए थे ना, चेते गोलू मंदिर जहाँ गए थे भाई साहब, वहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर हमने सही नहीं समझा, और वो देखा था पेपर कैसे लगे हुए थे भाई साहब। हाँ। लोगों ने, मैंने एक दो लोगों की विशेष पढ़ी, किसी ने तो लिख रखा है बाबा जी मैं कनाडा चला जाऊं, और किसी ने ये लिख रखा है बाबा जी मेरे बेटी को बढ़िया वर दिला देना और मेरे बेटी की नौकरी लगवा देना। तो ठीक है, सबकी अपनी आस्था है, क्या कर सकते हैं। तब वो मैंने क्लिप दिखाई थी, आपने देख रखी होगी, वहां पर कितने सारे पेपर टंगे थे घंटी के साथ। हमारे पास पेपर नहीं था, वरना हम भी लिख देते, चार्ज वार्ज मिल जाए। तो चलो अब यहाँ से चल रहे हैं, अपना हम व्यूज देखते हुए जा रहे हैं, अपना मस्त धीरे धीरे मजे लेते हुए एंजॉय करना है। वाली गाड़ी में आए क्योंकि वहाँ से हमारी गाड़ी अलाउ नहीं है किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रैफिक हो जाता, तो हम वहीं पे पार्क करके आए थे। और यार यहाँ पे देखना कितना सुंदर है, तो चलो फिर चलते हैं आगे।
और यहाँ पे 125 छोटे छोटे ऐसे मंदिर हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, और कहा जाता है कि भगवान शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए थे और उन्होंने सभी की मनोकामना पूरी भी करी थी, और जिसकी मनोकामना जैसे राजा महाराजा जैसे पूजा करते थे शिव जी की और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी तो वो यहाँ पे एक मंदिर बनवाते थे। और ये पता है कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है ना, हाँ, ये उसका यात्रा मार्ग पर स्थित है ये जो अच्छा। जागेश्वर मंदिर है तो, और ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है ना, हाँ, ये उनमें से 8वां है। हाँ। और जागेश्वर मंदिर समूह में ना 125 छोटे बड़े मंदिर सम्मिलित हैं जिनका 7वीं सदी में निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे आके सच में ऐसा फील हो रहा है कि भगवान शिव जी यहाँ पर प्रकट भी हुए थे और आज हम उसी जगह पर हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली जो ज्योतिर्लिंग की पूजा हुई थी, मतलब लिंग की, भगवान शिवलिंग की, वो यहाँ हुई थी जागेश्वर मंदिर में। काफ़ी अच्छा लग रहा है और लोकेशन भी अच्छी है। और यहाँ पे बहुत सारे यार शिवलिंग है, बहुत सारे। हाँ, वो इसलिए है ना क्योंकि 7वीं शताब्दी में बना था, उसके बाद जितने भी वो आए ना राजा आए, उन्होंने सबने अपना अलग अलग बनवाया, तो इसलिए इतने शिवलिंग है, 125 हुए। यहाँ पे एक प्लेट कढ़ी चावल और एक प्लेट छोले चावल खाए और एकदम 50 की थाली नहीं थी तो और की एक थाली। अच्छा, कॉस्टली था ना, 100 रुपए की एक थाली पड़ी। हाँ, मुझे भी काफी, पहले आप रेट पूछ लेते ना, हम सीधे जाके बैठ गए। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा था, मतलब ताजा था, गरम खाना था। चले, चलो अब सीधे चलते हैं अपने होटल की तरफ। और ये इसमें ये लिखा है कि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंडर, आर्कोलॉजिकल जो होता है ना बॉडी, उसके अंडर है और इससे कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाए। वाओ भाई, कितना डरावना है यहाँ तो, मतलब हल्का सा किसी का गलती से ही पैर फिसल गया, वो तो नीचे ही रुकेगा पानी में। मैंने तो देखा नहीं, मैं तो आराम से सीधे सीधे चलती आ रही हूं। बच जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि पानी नहीं है, बच जाएगा वो। पानी रहता तो डूब जाता ना। ओहो, अब पानी नहीं है तो बच जाएगा। देखो इसके ऊपर भी सीढ़ियां जा रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं। मैं तो नहीं चढ़ने वाली यार, कोई है नहीं, पता नहीं क्यों। देखो ऊपर क्या है, आराम से। वो चैत्य मंदिर हम दोबारा आ गए क्योंकि दोपहर को तो हमें बहुत भीड़ मिली थी, पर इस टाइम तो पूरा खाली है, तो हम उसी रूट से वापस आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी में दर्शन करके चलते हैं। यार दर्शन हो गए और मैं करके आ गई दर्शन, और अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो चलो आज सारे मंदिरों में दर्शन करने का मौका मिल गया है। और गौरव तो गए नहीं थे, वो गाड़ी में ही थे, मैं ही करके आ गई जल्दी जल्दी।